नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम उमेश, आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे आप लोग अपने सीबीएसई बोर्ड एग्जाम के रिजल्ट को चेक कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, आप सभी लोग अपने सीबीएसई बोर्ड एग्जाम के रिजल्ट को जानने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होंगे, तो आज की इस वीडियो में इसी के बारे में बताऊंगा। तो बने रहिए इस वीडियो में शुरू से अंत तक। तो चलिए दोस्तों फिर शुरू करते हैं। तो दोस्तों शुरू करने से पहले मेरे तरफ से आप लोगों को एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज इस रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, और ये देखिए बगल में नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी क्लिक करके ऑन कर लीजिए, ताकि इसी तरह से जब भी मैं न्यू अपडेट्स के बारे में वीडियो अपलोड करूंगा तो सबसे पहले आप लोगों को पता चल सके। तो चलिए दोस्तों फिर शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आप अपने मोबाइल से या फिर अपने लैपटॉप से गूगल क्रोम को ओपन कर लीजिए। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि मैं ओपन किया हुआ हूं, और इस पर आकर आप लोग को सर्च करना है cbseresults.nic.in। तो चलिए हम जो कि इस पर सर्च कर लेते हैं, उसके बाद इंटर बटन को क्लिक कर देना है। तो दोस्तों जैसे आप इंटर बटन को क्लिक कीजिएगा, उसके बाद आप लोग को सबसे पहले जो लिंक देखने को मिलेगा, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है सीबीएसई रिजल्ट्स। जी हाँ दोस्तों, इस पर जो कि आप लोग को क्लिक कर देना है। तो दोस्तों जैसे आप इस पर क्लिक कीजिएगा तो आप लोग का नेक्स्ट पेज कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी कि सीबीएसई। जहाँ दोस्तों ये जो है कि सीबीएसई बोर्ड का ऑफिशियल वेबसाइट है, और इस वेबसाइट पर आप लोग सीबीएसई बोर्ड के जितने भी एग्जाम्स होते हैं सबका रिजल्ट इस वेबसाइट पर आकर आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स के क्लास 12th के रिजल्ट को। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है सीनियर स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन क्लास 12th। जी हाँ दोस्तों, ये जो कि सीबीएसई बोर्ड एग्जाम के क्लास 12th के रिजल्ट को चेक करने के लिए ये जो कि लिंक दिया हुआ है, तो चलिए जो कि हम इस लिंक पर क्लिक कर देते हैं और चेक करते हैं क्लास 12th के रिजल्ट को। तो दोस्तों जैसे आप इस पर क्लिक कीजिएगा तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है सीनियर स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन क्लास 12th रिजल्ट। जहाँ दोस्तों यहाँ पर जो कि आप लोग अपना क्लास 12th के रिजल्ट को चेक कर सकते हैं। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं नीचे लिखा हुआ है इंटर योर रोल नंबर। जहाँ दोस्तों यहाँ पर जो कि आप लोग का रोल नंबर इंटर करना है, उसके बाद आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है इंटर स्कूल नंबर। तो इस बॉक्स पर जो कि आप लोग को स्कूल का नंबर डालना है, उसका दोस्तों आगे आप लोग देख सकते हैं लिखा हुआ है इंटर सेंटर नंबर। तो दोस्तों इस बॉक्स पे आप लोग को जो कि अपना सेंटर नंबर को डाल देना है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है एज गिवन ऑन योर एडमिट कार्ड, यानी कि दोस्तों ये तीनों नंबर जो है कि आप लोग को एडमिट कार्ड पर दिया हुआ है, आप लोग जो कि एडमिट कार्ड पर सही से देख करके ये तीनों बॉक्स को आप लोग को फिल कर देना है, उसका सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों जैसे आप सबमिट बटन पर क्लिक कीजिएगा तो आप लोग का जो कि रिजल्ट शो करने लगेगा। जहाँ दोस्तों जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरह का जो कि आप लोग को रिजल्ट शो करने लगेगा, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है सीनियर स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन क्लास 12th रिजल्ट, और यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है रोल नंबर, नेम, मदर्स नेम, फादर्स नेम। तो दोस्तों इस तरह का जो कि आप लोग को अपना रिजल्ट देखने को मिलेगा। उसका दोस्तों अगर आप लोग अपना रिजल्ट को प्रिंट करना चाहते हैं तो आप इस प्रिंट बटन को क्लिक करके आप लोग अपना रिजल्ट को प्रिंट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम वापस चलते हैं और आप लोग को दिखाते हैं कि कैसे जो कि आप लोग अपना सीबीएसई बोर्ड के क्लास 10th के रिजल्ट को चेक कीजिएगा। तो चलिए जो कि हम बैक चलते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप लोग को सीबीएसई बोर्ड के क्लास 10th को रिजल्ट को चेक करना है तो आप लोग को जो कि इस लिंक पर क्लिक कर देना है। तो चलिए जो कि हम इस लिंक पर क्लिक कर देते हैं। तो दोस्तों जैसे आप इस लिंक पर क्लिक कीजिएगा तो आप लोग को जो कि कुछ इस तरह का पेज देखने को मिलेगा, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन क्लास 10th रिजल्ट। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर से आप लोग अपना क्लास 10th के रिजल्ट को चेक कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है इंटर योर रोल नंबर, यहाँ पर जो कि आप लोग को रोल नंबर को डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है इंटर डेट ऑफ बर्थ, यानी कि यहाँ पर जो कि आप लोग अपना डेट ऑफ बर्थ को डाल देना है। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं लिखा हुआ है इंटर स्कूल नंबर, यहाँ पर जो कि आप लोग को अपना स्कूल नंबर को डाल देना है। तो दोस्तों ये सब नंबर जो कि आप लोग देख सकते हैं लिखा हुआ है एज गिवन ऑन योर एडमिट कार्ड, यानी कि दोस्तों ये तीनों नंबर जो कि आप लोग एडमिट कार्ड पर दिया हुआ है, वहां से जो है कि आप लोग को तीनों नंबर को सही सलामत डाल देना है, और उसके बाद सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों जैसे आप सबमिट बटन पर क्लिक कीजिएगा तो आप लोग को जो कि अपना रिजल्ट शो करने लगेगा, जैसे कि कुछ इस तरह का, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन क्लास 10th। उसका दोस्तों आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है रोल नंबर, कैंडिडेट्स नेम, मदर्स नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, स्कूल नेम। उसका दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं आप लोग का रिजल्ट का पूरा डिटेल्स यहाँ पे दिया हुआ है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा कि कैसे जो कि सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स के रिजल्ट को चेक किया जाता है। तो दोस्तों इसी तरह से जो कि आप लोग को अपना सीबीएसई बोर्ड रिजल्ट को चेक करना है। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और जितना हो सके शेयर करें, ताकि दूसरे दोस्तों को भी पता चले कि कैसे जो कि सीबीएसई बोर्ड रिजल्ट को चेक किया जाता है, ताकि दूसरे दोस्तों को भी पता चल सके और वो भी जो कि अपन रिजल्ट को चेक कर सके। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।